हेलो दोस्तों, आज हम भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं। तो हम यहाँ पे अगर बात करें कि ब्रिटिश संसद द्वारा कई एक्ट पारित किए गए जो कि भारत के संवैधानिक विकास के लिए सहायक सिद्ध हुए, तो जिसमें से पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था कि ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था एक तो। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में पारित हुआ, और इसमें क्या कहा गया, जब कंपनी इसमें इसका मेनली जो काम था वो काम था कि इसकी कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको फ़ायदा देना, यानी कि उसको फ़ायदा पहुंचाना, और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था तो भ्रष्टाचार को कम करना, तो यानी कि कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसको कम करना और कुप्रशासन को कम करना, यानी कि भाई भतीजावाद को कम करना, और यहाँ से कंपनी के जो वर्कर कह सकते हैं या फिर के जो एम्प्लॉय होते वो तो अमीर होते जा रहे थे, लेकिन कंपनी को इसमें घाटा होता जा रहा था कंपनी से को। तो इसको दूर करने के लिए हम इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया, और इसमें ये क्या हुआ, इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को जोड़ दिया गया, यानी कि तीन जो प्रेसिडेंसी थी भारत में स्थापित उन तीनों को एक साथ जोड़ दिया, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी को किसके अंडर, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर जोड़ दिया गया। और एक इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बनता है हमारा, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं पेपर में, कि बंगाल का गवर्नर, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट से अब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को अब हम बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे, यानी कि गवर्नर जनरल कब से स्टार्ट हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 के बाद बंगाल के गवर्नर को अब हम गवर्नर जनरल कहने लगे। दूसरा एक और पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में स्टार्ट हुई, मतलब स्थापना उसकी कब हुई, 1774, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के एक साल बाद 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और उसके एक साल बाद कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद इसकी कुछ कमियाँ रह गई। अब कमियों के बाद इसमें क्या हुआ, एक और एक्ट पारित किया गया जो कि कौन सा था, अगला नेक्स्ट है, इसमें क्या था कि 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, पिट्स इंडिया एक्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट का काम हमने क्यों स्टार्ट किया था कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, और जो कंपनी को नुकसान हो रहा था उसको नुकसान को कम करने के लिए। लेकिन हमें ये दिखा, इन्होंने कंपनी को, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार को दिखा कि अभी भी क्या हुआ कि 10 साल के बाद भी, यानी कि 1773 से लेकर 1783 तक क्या हुआ, कंपनी को कोई भी फ़ायदा होते हुए नहीं दिखा, जिससे और जो एम्प्लॉय थे वो लगातार अभी भी उनकी उनकी इनकम में तो बढ़ोतरी हो रही थी लेकिन कंपनी को नुकसान होता जा रहा था। तो इसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ कुछ चेंज किया। उन्होंने क्या कहा कि एक और एक्ट लागू किया, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके अधीन क्या था, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि भाई सबसे पहले तो कंपनी के जो सारे मामले थे दो पार्टों में डिवाइड कर दिया इन्होंने सर, कंपनी को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। दो पार्टों का मतलब है इसके राजनीतिक पार्ट को अलग और व्यापारिक पार्ट को अलग, यानी कि इसमें क्या करा, दो पार्ट में, एक व्यापारिक और दूसरा राजनीतिक। तो राजनीतिक के लिए क्या करा, राजनीतिक के लिए क्या करा, व्यापारिक के लिए तो इन्होंने कह दिया कि भाई राजनीतिक व्यापारिक में तो ये कह दिया कि भाई व्यापारिक में क्या करेंगे, व्यापारिक में तो जो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी है वो खुद ही अपने आप हैंडल कर लेगी। तो यानी कि इसके जो पॉइंट थे वो कौन सा, हमारा पॉइंट कि कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि और नियंत्रण बोर्ड का गठन, यानी कि बोर्ड का एक गठन किया गया जिसमें क्या गया कि क्या कहा गया, दो बोर्ड बनाए गए, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी उस पर अप्रत्यक्ष रूप से रूल करेगी, यानी कि एक तो व्यापारिकों के, व्यापारिक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, यानी कि तो फिर क्या बना पॉइंट कि कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि कंपनी जो होगी
उसके जो कंपनी के साथ जो कंपनी का जो व्यापार है, यानी कि जो व्यापार जो कर रही है कंपनी, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। कौन? ब्रिटिश सरकार। लेकिन इसके अलावा कंपनी के उसमें तो हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन इसके अलावा क्या होगा कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों में एक दूसरे से अलग किया, यानी कि कंपनी की व्यापारिक कार्य अलग कर दी और राजनीतिक कार्य अलग कर दी। व्यापारिक कार्य में तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी ब्रिटिश सरकार, लेकिन राजनीतिक कार्य में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति करी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे, 6 सदस्य थे जिसका काम था, जिसका काम ऐसा कह सकते हैं कि जब, और ये 6 सदस्य नियुक्त कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार। जब ब्रिटिश सरकार नियुक्त करेगी 6 सदस्यों को, तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर सम्राट का ही अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप रहेगा, यानी कि नियंत्रण रहेगा। तो इस प्रकार व्यापारिक पर तो कंपनी का अधीन कंपनी काम करेगी, और राजनीतिक पर जो अधिकार रहेगा, राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक कार्यों पर जो अधिकार करेगा वो ब्रिटिश सरकार ही करेगी। तो इस तरीके से ब्रिटिश इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट, ये दोनों दो पॉइंट थे हमारे जो कि इस